जस्ट अभी यार एकदम सिलाई कराने हैं और हमारे साथ हो गया भयंकर वाला लोल। क्या लोल हुआ मैं आप बाद में एक्सप्लेन करूंगा पूरी वीडियो में। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि जो कोविड वैक्सीनेशन की थर्ड डोज है, बूस्टर डोज, वो लग रही है कि नहीं। तो वो लग रही है, लेकिन ये देखो ये SBI के कर्मचारी हैं, इसके बाद हमारा ही नंबर है इनका। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, हो चुके हैं नए दिन की शुरुआत और आज का दिन ऐसा है दोस्तों, आजकल पिछले 3-4 दिनों से बारिश नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और जिसका असर ग्राउंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्राउंड में बिल्कुल भी पानी नहीं है और ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है दोस्तों। आजकल 10-15 दिन ही बचे हैं तो स्पीड वर्कआउट चल रहा है और उस वर्कआउट में दोस्तों काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है, जिस कारण आज हम जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मस्तू भाई का थोड़ा पैर भी ऐसे शीन पैन सुन पैन हो चुका है, बट हम जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई लेने। दोस्तों, आजकल सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में या मेडिकल में जाते हैं दवाई लेने, बड़ी महंगी मिलती हैं दोस्तों, और उनको पता नहीं रहता कि गवर्नमेंट में भी वही दवाई मिल रही है। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ये मेडिकल वाले हैं, ये सारे जेनरिक दवाई देते हैं जिसको आप लेते हो और जल्दी ठीक हो जाते हो, और आपको लगता है कि बाद में वो बहुत प्रॉब्लम देती है, भयंकर दिक्कत देती है दोस्तों। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बता देता हूँ, वहाँ सब दवाइयाँ मिलती हैं, आयुर्वेदिक भी मिल जाती है आपको। आयुर्वेदिक दवाई से और फ़ायदा होता है दोस्तों, लेकिन उससे नुकसान भी कुछ नहीं होता है, लेकिन वो असर देर में करती है। बट आयुर्वेदिक के अलावा आपको होम्योपैथी और वैसी वाली दवाई भी मिल जाती है, एंटीबायोटिक, जिससे आपकी जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। ऊपर से विटामिन मिल जाता है आपको, कैल्शियम मिल जाता है, मतलब इंजेक्शन की दिक्कत हो, इंजेक्शन मतलब A to Z सब आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में A to Z सारी फैसिलिटी हैं दोस्तों, फिर भी आप लोग वहाँ जाते हो। मेरे को तो पता है थोड़ा बहुत, मैं 1-2 साल मेडिकल में रहा तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है कौन सी दवाई कैसी मिलती है। उनको भी लगभग 50 रुपये की दवाई है तो वो 25 में मिल जाती है दोस्तों, तो आप लगा लो कितना घाटा है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, अभी मस्तू भाई का जूता भी फटा हुआ है, फटा नहीं है तो थोड़ा बहुत ऐसी सिलाई उधड़ गई है, तो हम उस पर जा रहे हैं मोची के पास अभी, तो वहीं से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना भी हो जाएगा। बस आप वीडियो में बनाओ, मेरा हाथ बहुत थक रहा है क्योंकि जो ये ट्राइपॉड है ये साला बहुत भारी हो रहा है दोस्तों। तब तक के लिए बाय। आज के बाद दवाई कभी भी लोगे तो हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लेना है, मेडिकल से कभी मत लेना। मेडिकल से तभी लेना जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपके आसपास दूर, मतलब ज़्यादा आसपास के एरिया में आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो तभी लेना, और जब हो तो तब क्या बोलते हैं वहीं से लेना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वरना जब आप कभी मार्केट आते हो तो यहीं से दवाई लेके जाना। यहाँ A to Z दवाई मिलती हैं, सिर्फ एक चीज़ की छोड़ के कि फेस पे पिंपल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो लोग तब बाहर से ही लिखते हैं, क्योंकि यार ऐसी दवाइयाँ का क्या करेंगे, वहाँ फेस पे पिंपल तो गर्मी के कारण होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे, जैसे मेरे कभी होते रहते हैं कभी नहीं होते हैं, वो बात अलग है दोस्तों, अब क्या करें। और एक बात आपको बता ही दिया है मैंने कि कभी भी हो दोस्तों मेडिकल से बहुत कम सामान लेना, प्राइवेट डॉक्टर के पास तो जाना ही मत। गवर्नमेंट वाले तो एक्सपीरियंस वाले भी रहते हैं और अच्छी दवाइयाँ भी देते हैं, बट आजकल को आपको पता होगा यार गवर्नमेंट वाले भी चौड़े हो रहे हैं। बट यहाँ पे सीन ऐसा है कि दिल्ली मुंबई में तो काफ़ी भीड़ रहती है, बट यहाँ अगस्त मुनि में देखा मैंने कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तुरंत 5 मिनट में आपको दवाई मिल जाएगी, 15 रुपये की पर्ची बनती है, भले और जगह 1-2 रुपये की बनती है, बट यहाँ थोड़ा महंगी बनती है 15 की, बट 15 रुपये यार आम बात है यार दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। पीछे ये लोंडे वोंडे सीटी मार रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ये सब वही वाले हैं कैंप वाले। पानी साफ है यार, ये देखो दोस्तों, हमको तो मना कर रखा है उस्ताद ने जाने के लिए, इसलिए हम जाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का पानी इनको भी पता नहीं है कब बढ़ जाए, बहुत रिस्क का काम है, अचानक वहाँ से बढ़ जाता है। आपको पता है आगे एक कुंड डैम है तो वहाँ से कभी भी पानी छोड़ देते हैं, भले वो सायरन बजाते हैं बट यहाँ तक वो पहुँचता नहीं है, और अचानक पानी खोल देते हैं तो आपको पता है वहाँ गंदा पानी भी भरा रहता है, वो अचानक आ जाता है और पता भी नहीं लगता दोस्तों। एक बार हमारे जूते चप्पल सारे बह गए थे, अच्छा हुआ हम उस दिन फ़ोन लेके नहीं गए दोस्तों। तो अभी लेट हो रहा है दोस्तों, अभी चलते हैं आपको सीधे वहीं हॉस्पिटल में जाके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो जहाँ पे हम रहते हैं गुरुजी के यहाँ पे, यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमारी साइड कैसा दिखता है और यहाँ कैसा दिखता है। गुरुजी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं चंदनगर में, और ये पूरा गुरुजी का हाउस है, ये देख सकते हो गार्डन कितना ज़बरदस्त बना रखा है। ऊपर देखो जहाँ से ये मस्तू बाहर आ रहा है वहाँ पर हम रहते हैं उस साइड, उधर रूम देख लिए होंगे, और ये ऊपर देखो ऊपर तक है इसमें, अभी इसमें कुछ दिन पहले आम लगे थे ज़बरदस्त वाले, बहुत आम खा लिए, और यहाँ लगे हैं अमरूद, बंदर बहुत आते हैं यहाँ दोस्तों, गुरुजी रहते नहीं हैं तो बंदर बहुत आते हैं, और आप देखो यहाँ ऐसे ही गंदगी हो जाती है। गुरुजी परेशान हो गए हैं सुबह शाम सफाई करते करते, हमको उतना टाइम लगता नहीं है, ऊपर से हम कहाँ से करें यार दोस्तों, अब क्या बताएं आपको। और जो गुरुजी की वाइफ है मैम, वो रामपुर की हैं, और उनके पास भी गवर्नमेंट जॉब है, और क्या बोले, एक लड़का एक लड़की है, लड़की दिल्ली रहती है, और ओमी है वो 10th पास अभी किया है, तो वो दिन भर स्कूल में रहता है 2-1-2 बजे तक, मतलब तीनों सब साथ में घर में आते हैं, और उससे पहले यहाँ बंदर आतंक मचा देते हैं दोस्तों। अब हम उतना रूम से बाहर निकलते नहीं हैं, उस साइड रूम है, बंटी है, और बंटी को हमने कभी बांधा नहीं है, तो आप क्या बताएं आपको,
बंटी को अगर थोड़ा भी बांध देंगे तो वो ऐसा रोने लगता है, तो इसलिए उसकी आदत हमने जैसे पड़ा रखी है, अब ऐसे ही चलते हैं। जस्ट अभी मार्केट जा रहे थे, हमने देखा यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो एक काम अच्छा किया उत्तराखंड सरकार ने, ज़बरदस्त यहाँ पे आप देख सकते हो पार्क टाइप बना रखा है, और अभी इसका काम जारी हो रहा है दोस्तों। और अब देखते हैं यहाँ पे सारी ए टू जेड एक्सरसाइज के लिए सारी मशीनें लगी हुई हैं दोस्तों। ये मुझे लग रहा है ये भी श्रीमती अरुणा बेंजवाल जी ने बनाया है, और यहाँ पे मस्तु भाई मज़ा आ रहा है इन बेंच में बैठने पे, फ्री की बेंच है बहुत, और ऐसी ऐसी जगहों पे लगा रखी है दोस्तों जहाँ लगानी नहीं चाहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप बस वीडियो में बने रहो। तो पहली सीट तो ये है जो कि सही जगह पे नहीं लगी है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूल आती है बहुत ज़बरदस्त वाली, भले लोकेशन अच्छी है बट आप ये देखो यार, ये वाली रोड ऐसी हो रखी है, आपको नज़ारा दिखा देता हूँ यार थोड़ा बहुत स्लो मोशन में। ये अपना अगस्त मुनि है यार दोस्तों, कितना स्वीट है, पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जो कि बह गया, एक लगी है यहाँ पे, गाड़ियाँ आके ठोक देती हैं यहाँ पे तो, और एक लगी है यहाँ पे, मतलब जितनी जगह पे भी लगी है ना इतनी कीचड़ होती है यहाँ पे बारिश के मौसम में, और विदाउट बारिश तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है दोस्तों। अभी आ रखे हम जस्ट समोसे वाली शॉप पे, स्टेशन के पास है, जो स्कूल के बाद अभी समोसा खा रहे हैं यहाँ पे, एक अरसा हो गया था समोसा खाए हुए बट अच्छा लगा यार, मस्त भाई ठीक हो रहा है, ये वाली सॉस है तो अच्छा ही लगता है यार। अभी हमने ट्राई किया कि एक एक और लेंगे, भीड़ बहुत है यहाँ पे तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप पहुँच चुके हैं, इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, स्टेशन से पहले और ग्राउंड से थोड़ा पहले है, इधर से स्टेशन से पहले और मेरी साइड से ग्राउंड से पहले। और बेंजवाल जी को बोलना चाहूँगा, मैं जिसने भी ये बेंचें लगाई है अगर लगानी थी तो थोड़ा ढंग की जगह पर लगा लेते, थोड़ा बैठने का भी मन करता है हमारा अगर हम घूमने जाते हैं तो। दोस्तों अभी अंदर चलते हैं क्या माहौल है, फिर वहाँ से दवाई लेंगे, जैसी भी होगी मैं आपको पूरा बता दूँ। दोस्तों बहुत से लोगों का ये सवाल था कि जो कोविड वैक्सीनेशन की थर्ड डोज है बूस्टर डोज, वो लग रही है कि नहीं, तो वो लग रही है, लेकिन 80 साल से ऊपर वालों पे आर्मी में ज़रूरी नहीं है कि वो ले जाना, फर्स्ट और सेकंड लगी होनी चाहिए, और आगे मैंने यही पता किया दोस्तों तो वो सिर्फ 80 साल से ऊपर वालों पे लग रही है, हर किसी पे नहीं लग रही है, हम पे भी लगेगी लेकिन टाइम आने पे। तो मिलते हैं आपको, अभी अंदर जाते हैं, मैंने अभी एक बाहर से किसी से पूछा, इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सब लोग पूछ रहे थे जन्म प्रमाण पत्र का, तो मैं आपको आगे बताता हूँ बस। तो दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप दवाई लोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती है, ये देखो ये SBI के कर्मचारी हैं, इसके बाद हमारा ही नंबर है इनका, बस भीड़ इमरजेंसी वाले में रहती है बस। ये देखो यार अपना सीन सेट है दोस्तों, जस्ट अभी यार एकदम सिलाई कराने हैं, और हमारे साथ हो गया भयंकर वाला लोल, क्या लोल हुआ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा पूरी वीडियो में, बिकॉज़ अभी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है तो मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे में आप देख सकते हो आवाज़ आ रही होगी आपको इधर उधर की, तो आपको बताता हूँ क्या बकचोदी हुई हमारे साथ, बस आप वीडियो में बने रहो। क्या हमारा सिलाई बना सॉप है, माँ कसम कारम है। फाइनली काम वाम निपटा के सारे आ चुके हैं, आपको अभी रूम पे बहुत कुछ बताना रह गया है, वो आपको रूम पे ही चल के बताएंगे, क्योंकि अभी बारिश लग चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी रोड गीली है, मैं कह ही रहा था सुबह की बारिश होगी और सच में बारिश हो गई। मेरे साथ है किशन ब्रो फ्रॉम टाट, माय रिश्तेदार, तो दोस्तों ये अभी रनिंग करके आ रहा है, दिन में भी जा रहा है लड़का, आप लगा लो कितना मेहनती कर रहा है दोस्तों। अभी जस्ट हूँ मैं संकल्प के बाहर, और आधा किलोमीटर और बचा है, ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो मैं आपको मिलता हूँ सीधे रूम पे, रूम पे ही बात करते हैं क्या क्या बात करनी है, तब तक के लिए बाय। फाइनली अभी रूम पे पहुंच चुके हैं, और उस टाइम बारिश हो गई थी, आपको पता ही होगा मैं सुबह भी कह रहा था कि आज बारिश हो सकती है, और काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी तो वो आज दिन में ही हो गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो रोक दी थी, बट बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको हॉस्पिटल में नहीं बताई, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ भी थी और ऐसे खुले माहौल में वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं था। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या दवाई ली है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और हर चीज़ के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहो दोस्तों, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जाओ तो आपको अगर किसी चीज़ के विषय में लेना हो तो आप इसे दवाई ले सकते हो दोस्तों, बस आप वीडियो देखो यार। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम थी मेरे हड्डी में, वो हो रहे थे पाचन भी नहीं हो रहा था, और मैंने विटामिन की भी लेनी थी, तो दोस्तों ये है कैल्सिटस के पाउच, कैल्शियम की है ये दोस्तों, ये दवाई मेन जिसके हड्डी वड्डी में दर्द होते हैं, तो दोस्तों ये पाउच मार्केट में अगर आप मेडिसिन से लोगे तो ये 50 का एक है,
ये एक हफ्ते में एक बार लेना होता है दूध के साथ, तो इसलिए मैंने एक महीने के लिए लिए हैं, तो उन्होंने चार दिए क्योंकि इसका कोर्स ही एक महीने का होता है। तो दोस्तों चार ये रहे, और आप इसका प्राइस चेक कर लेना अगर आपको पता नहीं हो तो, ये देखो। और दोस्तों कुछ भी कम ज़्यादा नहीं रहता है, एमजी उमजी का फ़र्क नहीं रहता है। दोस्तों ये है पेट साफ़ करने की गोली अगर आपको कभी प्रॉब्लम पड़ जाती है दोस्तों, और ये है विटामिन के टैबलेट, ये है कैल्शियम और विटामिन D3। देखो दोस्तों आप देख सकते हो 100 रुपये का मिलता है अगर इसका, 100 कुछ रुपये का मिलता है, ये एक दिन में एक लेनी होती है। और ये है बी कॉम्प्लेक्स, जैसे आप लिमसी लुमसी खाते हो वर्कआउट के बाद, तो ये वो है दोस्तों। तो बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक लेनी होती है। तो ये है 10 दिन की, तो ये 10 गोलियाँ हैं, 10-10 हैं। और दोस्तों ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने मेडिकल से लिया है क्योंकि ये हिमालय का है, तो ये नाम से चलता है LIP52, जो कि लीवर के लिए है। बहुत से लोगों को लीवर की प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे को भी लीवर की प्रॉब्लम है, तो मैंने ये वाली ली है। और दोस्तों ये है मेन इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा आप क्या बोलते हैं, ओमनी जेल लेते हो, मूव लेते हो, वो सब लेते हो, तो दोस्तों ये वो है। अगर आप वहाँ से, ये देखो 30 ग्राम है, नो प्रॉब्लम दोस्तों, आप अगर आप लगाओगे आपके जोड़ों के दर्द जहाँ भी दर्द हो रहा सब सही हो जाएगा। और हमारे खाने खाने का टाइम भी हो चुका है क्योंकि हमने अभी वहाँ से काफ़ी लेट आए, हम लगभग 1 बजे के करीब आए हम। और जूते वाले की बात बता देता हूँ मैं आपको, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जूते वाले ने इतना चूतिया काटा हमारा दोस्तों, जब हम उसकी शॉप पे गए थे दोस्तों, तो उसने बोला था कि 100 रुपये में ही लगेंगे। हमने कहा यार मार्केट में सब तो 60-70-80 ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये ले रहे हैं, लेकिन उसने बोला 100 रुपये लगेंगे। हमने बोला चलो हम आगे ट्राई करते हैं, हमने बोला कि, उसने बोला नहीं, हमने बोला यार थोड़ा बहुत सस्ता कर दो, उसने कहा आज नहीं तो कल तुमको, चाहे तुम कभी भी आओ तुमको मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो दोस्तों उस टाइम मैं समझा नहीं उसकी बात, वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा यार ये अकड़ दिखा रहा है, तो हम यहाँ से चलते हैं। और हम गए जहाँ पे वहाँ पे काम भूल गया मैं, सॉरी, वहाँ पे यार हॉस्पिटल के बाहर भी एक मोची वाला रहता था पहले, अभी नहीं था, अब उसने छोड़ दिया शायद काफ़ी टाइम से। मैंने जब आज गया तो मैंने पता किया, तो वहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो बोल रहे थे कि अब वो यहाँ पे नहीं बैठता है। तो दोस्तों तभी उसने रेट बढ़ा दिए हैं 100 रुपये जो इधर वाला था। मतलब यार 100 रुपये लगा लो यार, मैं अपने दोस्त की भी दिखाता हूँ, मैंने चुपके से उसकी वीडियो बनाई है, अब वो सीधे ब्लॉग ही में देखेगा। तो उसने भी 100 रुपये दिए यार, मैंने कहा यार 100 रुपये यार, मतलब अभी देखो ये फ्लैश भी बंद हो गया, इसका चार्ज कम हो गया। तो दोस्तों 100 रुपये अगर वो बोल रहा था कि हाँ भाई 300 और मिला के हम नई जोड़ी जूते ले लेंगे, तो दोस्तों 60-70 रुपये की चीज़, चलो मैं मानता हूँ 80 रुपये ले लो यार, 100 रुपये कौन लेता है। और लास्ट में उसने ये बोला कि तुम मेरे पास आओगे, मैं उस टाइम समझा नहीं, लेकिन उसका कहने का ये था कि पूरे मार्केट में वही बैठता है, इसलिए वो सबसे अकड़ के बात कर रहा था। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों, लेकिन यार 100 रुपये ऐसे कैसे ले सकता है यार किसी से भी यार। मतलब हम बड़ी मुश्किल से यार पैसे बचा के ये मार्केट से दवाई ला रहे हैं, और तुम सीधे 100 रुपये ले रहे हो, ऊपर से कस्टमर से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो दोस्तों, ये तो बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर आप भी नेक्स्ट टाइम जाओ, मैं तो कह रहा हूँ यार एक बंदा और खोल लेता मोची की दुकान, वहाँ पे 80 रुपये ही लेता तो ठीक था यार, 100 रुपये कहाँ का बनता है यार। एक मतलब यार 5 मिनट लगते हैं सिलाई मारने में, मैं मानता हूँ कि उनको काम का एक्सपीरियंस होगा, बट 100 रुपये तो यार बहुत हाई फाई है यार दोस्तों। इतना तो तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, श्रीनगर कहीं भी नहीं है, रुद्रप्रयाग श्रीनगर में कहीं भी नहीं है, यहीं पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बैठता है। तिलवाड़ा में आपने देखा होगा कि 80 रुपये स्टार्ट में बोलता है वो, उसको बोलो कि भाई 10-20 रुपये कम कर दे, तो वो 60 रुपये में भी कर लेता है, बट यहाँ पे 100 रुपये से 10 रुपये कम भी नहीं बोले, किसी को 80 किसी को 100 यार, ये पता नहीं क्या माहौल है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उनको, अब क्या बोलें यार। हम तो सब अंकल जी बोल के बात कर रहे थे हम, अंकल जी इसको सील दो, ये तो है नहीं कि हमने गाली दी होगी गोली दी होगी। मैंने उस टाइम कुछ वीडियो भी नहीं बनाए, मैंने कहा यार ये तो बड़ा स्कैम हो गया। लास्ट में उसी के पास आए, वो तभी बोला कि भाई तुम को कराना है तो ठीक, नहीं कराना है तो तुम जब भी आओगे मेरे पास ही आओगे। और वही हुआ दोस्तों, अब हम उसके लिए तिलवाड़ा तो जा नहीं सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि मेरा चार्ज बहुत ख़त्म हो गया। ये 5% से नीचे फ्लैश भी ऑफ हो जाती है, रूम में थोड़ा दिन का माहौल है तो रूम में थोड़ा आपको देख रहा हूँ मैं कि क्या बोलते हैं, थोड़ा अंधेरा सा है और मेरा फेस और अंधेरे में आ रहा हो दोस्तों। अभी हम खाना वाना खाते हैं, ये प्रियांशु भाई हमारे खाना लगा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इनके बारे में बता दिया, आप कभी भी जाओ तो देख के लाना, अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप वहाँ बोल देना मेरे घुटने में दर्द है, ये भी है वो भी है, आपको A to Z मिल जाएंगी। इंजेक्शन भी लगाया हमारे वहाँ, मेरे नहीं लगा, मस्तु भाई के लगा, तो दोस्तों वो इसलिए लगा क्योंकि पेन था, बड़े उन्होंने पेन किलर नहीं लगाए, बट चलो यार दोस्तों यार मिलते हैं दोस्तों, खाना वाना खाते हैं, बहुत भूख लग गई है, सुबह खाया था दोस्तों और अब खाते हैं। आप बस वीडियो लाइक जरूर करना यार, मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब करने को, इस बार सर सब्सक्राइब कर देना यार दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। मुँह भी थक गया और ये हाथ बहुत थक जाता है यार, ये ट्राइपॉड है ना जो इधर उधर गिरता है मेरा बार बार। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।